हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नोक्रेट्स वर्चुअल पॉइंट। आज हमारा स्पीड कैलकुलेशन पर सेकंड लेक्चर है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट ट्रिक थी, लास्ट लेक्चर की जो ट्रिक थी उसको रिपीट करेंगे, उसी को हम मॉडिफाई करके वो ट्रिक का यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 24 का मल्टीप्लाई बाई 32 करते हैं तो हमने सीखा था माई फ्रेंड, तो तीन स्टेप में आंसर निकालना है। वो तीन स्टेप क्या होते हैं आपके, 1x1, ठीक है, 1x1। पहले स्टेप में क्या करेंगे आप, 2x4 करेंगे। 2x4 क्या होता है माई फ्रेंड, 8 होगा। क्लियर है, 2x4 फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x2 4 प्लस 3x4 12। क्लियर है, 2x2 4 3x4 12। दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 4 16, ठीक है, क्लियर। 16 का हम 6 लिखेंगे और जो कैरी है वो आगे ऐड करेंगे। क्लियर है, 16 का मैंने 6 लिया और 1 कैरी वो आगे ऐड करेंगे। हमारे दो स्टेप हो चुके हैं, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है आपका लेफ्ट टू लेफ्ट, 3x2 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। 3x2 6, 6 प्लस 1 कैरी था, 7 6 8 आपका आंसर आ गया। इसी मेथड को अब हम 3 या 4 डिजिट में कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। हमने ले लिया 525 मल्टीप्लाई बाई 525, क्लियर है, 525 मल्टीप्लाई बाई 525। इसी ट्रिक को 1x1 को यहाँ कैसे यूज करना है वो देखेंगे। यहाँ हमने सिंगल डिजिट में लिया था, क्लियर है, और यहाँ हम लेंगे डबल डिजिट में, 25 25, और इसको भी हम डबल में बना लेंगे, तो 05 और 05। क्लियर है, तीन स्टेप में आंसर लाना है। यहाँ आपका सिंगल डिजिट में आंसर आया था क्योंकि सिंगल में लिया था, यहाँ हम डबल डिजिट में लेंगे और क्योंकि डबल डिजिट में ले रहे हैं, ठीक है। देखने 1x1 मेथड, पहला स्टेप क्या रहेगा, 25 x 25 कितना होता है माई फ्रेंड, 625। 25 x 25 625, 25 लिख दिया और 6 कैरी हो गया। टू डिजिट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ टू डिजिट में लिया था, यहाँ सिंगल डिजिट में लिखा क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट में था। क्लियर है, 25 x 25 625, मैं 25 लिख दिया और 6 कैरी ले लिया, वो आगे ऐड कर देंगे। ये स्टेप आपका क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर क्रॉस मेथड। क्या करेंगे क्रॉस, 25 x 5 करेंगे और 5 x 25 करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 25 x 5 कितना हो जाएगा आपका, 125। क्लियर है, 25 x 5 125। अब इधर से करिए, 5 x 25 125, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 25 और 25 50, और 1 और 1 2 250। क्लियर है, 125 प्लस 125 250। अब क्या चेक करना है हमको, कैरी, तो 250 प्लस 6। क्लियर है, तो 250 प्लस 6 कितना हो जाएगा माय फ्रेंड, 256। तो 256 का हम 6 लिखेंगे यहाँ पर, और जो कैरी है हमारा 2 वो आगे ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, दूसरा स्टेप क्लियर, 25 x 5 125 और 25 x 5 125, दोनों को ऐड किया तो वो हो गया आपका 250। 250 प्लस 6 कितना हो गया आपका, 256। अब आपका ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले स्टेप पर, लेफ्ट टू लेफ्ट, 5 x 5 5 x 5 25 होता है, 25 प्लस कैरी 2, तो 25 प्लस 2 27। देखा आपने कितने जल्दी आंसर आ गया, ओनली 3 स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं। आगे और देखते हैं हम लोग, अब इसी ट्रिक को 4 डिजिट में कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमने ले लिया 12 मल्टीप्लाई बाई 1212, क्लियर है। आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देखिए, फिर देख लेना हमने जो किया है आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। आइए हम करते हैं 12, तीन स्टेप में आंसर हमें लाना है, तीन स्टेप में, 1 2 3, ठीक है। हमें दो स्टेप में आपका, दो डिजिट में आपका आंसर आएगा, देखते जाइए। 12 x 12 144, 44 का मैंने 44 लिखा, 1 कैरी। क्लियर है, यहाँ डबल डिजिट था, यहाँ डबल डिजिट लिया, फर्स्ट क्लियर। सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 12 x 12 144 12 x 12 144, आप ऐड कर दीजिए, 144 प्लस 144
288, क्लियर है? आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऐड करते हैं, तो 288 हो गया, 288 प्लस 1 कितना हो गया आपका 289, हम 89 लिखेंगे और जो कैरी होगा वो आगे ऐड कर देंगे, क्लियर है? ये भी स्टेप हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, 144 प्लस 2 146, गुड 146 आपका आंसर आ चुका है, 1468944, ठीक है। एक आपके कैलकुलेशन में अगर आपका 130.13 मल्टीप्लाई बाय 0.1313 आ गया, आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, तब तक हम करते हैं, आंसर चेक कर लेना लास्ट में। आइए देखिए, 1313 मल्टीप्लाई बाय 1313, क्लियर है? इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं डबल डिजिट में, क्लियर यहां तक? तीन स्टेप में आंसर, तीन स्टेप, पहला स्टेप राइट टू राइट 13 इंटू 13 169, 13 इंटू 13 169, पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 इंटू 13 169 प्लस 169, 13 इंटू 13 169 और 13 इंटू 13 169 ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 9 8 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8, यहाँ आपका कैच कितना हो गया 13, 9 प्लस 9 18 का 8 लिखा, 1 कैरी था आपका, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 1 13 और 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 आपका हो गया 3 3 3 8, ठीक है? 3 3 8 का हम 3 8 लेंगे यहाँ पर, सॉरी 3 8 3 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 9, ठीक है? दोबारा देखिए, पहला स्टेप 13 इंटू 13 169 लिख दिया, 1 कैरी, 13 इंटू 13 169 और 13 इंटू 13 169 दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 प्लस 9 18, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 1 कैरी था 13 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 3 8। अब चेक करते हैं हम लोग कैरी को, कैरी कितना है आपका 1 था आपका, ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया 3 3 9। अब कैरी कितना बचेगा आपका 3, वो हम आगे ऐड करेंगे, हमारे दो स्टेप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा आपका लेफ्ट टू लेफ्ट, 13 इंटू 13 कितना हो गया 169 और कैरी था आपका 3, तो कितना आ जाएगा आपका 172, ठीक है? ये आपका आगे 13 13 मल्टीप्लाई 13 13, हमारा क्वेश्चन क्या था 13.13 मल्टीप्लाई बाई 0.1313, करेंगे क्या पॉइंट चेक करेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद आपका पॉइंट था, इधर आपका रहेगा 1 2 के बाद, कितना हो गया 1 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आ गया 1.723969, ठीक है माई फ्रेंड? ये हमारी रही ट्रिक 1 2 1 वाली। अब यही ट्रिक हम जो नेक्स्ट ट्रिक रहेगी वो अब हमारी रहेगी एनी थ्री डिजिट का, एनी थ्री डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एनी थ्री डिजिट का एनी थ्री डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमने कोई भी एक तीन डिजिट की संख्या ले ली और किसी अनदर जो हमने 123 हर डिजिट ले ली, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है 3 और ये कितने स्टेप हो गए 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में आंसर आना है 1 2 3 4 5, क्लियर है? पहला स्टेप क्या होगा आपका राइट टू राइट 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर। सेकेंड स्टेप में आइए आप, सेकेंड में क्या होगा 3 इंटू 2 6 हो गया और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6, ऐड कर दीजिए 6 प्लस 6 12, ठीक है? 12 का हम 2 लेंगे और 1 को कैरी वो आगे ऐड कर देंगे,
हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, वो रहेगा आपका 1 2 3 2 1, क्लियर है 1 2 3 2 1, ये आपका यहां अप्लाई करेंगे। यहां पर हम तीन ऑपरेशन लगाएंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4। दोबारा देखिए, हमने तीन ऑपरेशन लगाए इस वाले में, थर्ड स्टेप वाले में, 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 1 × 3 3, अब ये वाला ऑपरेशन 2 × 2 4, क्लियर है। एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन और तीन ऑपरेशन, तीनों को ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 और 4 10, 3 + 3 6 6 + 4 10, 10 और ये आपका रिमाइंडर था आपका 1। अब इसको कैरी को ऐड कर देंगे, 3 + 3 6 + 4 10 था आपका, 10 + 1 11, 11 का हम कितना लिखेंगे 1। सबको हमें सिंगल डिजिट में ही लिखना है, हमने 1 लिख दिया, अब 1 कैरी था जो वो हम आगे ऐड कर देंगे। अब आगे देखते हैं, हमारे पास तीन ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, 1 2 3, अब आगे देखते हैं, ये अब इस वाले पे आ गए, नेक्स्ट वाले पर, इसमें क्या करेंगे आप, ये मेथड अपलाएंगे लास्ट के, देखिए आप, 2 × 1 2 + 2 × 1 2, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 4 आपका ऐड हो गया इस ऑपरेशन से, तो 4 + कैरी था आपका 1, तो 4 + 1 5, क्लियर है, नो कैरी, ये भी आपका स्टेप क्लियर हो गया। अब आपका बचा लास्ट स्टेप, लेफ्ट टू लेफ्ट, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 × 1 1, कोई कैरी नहीं था, आंसर आपका आपका 15129, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 2 3 × 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तीन कुछ किस मेथड से, 1 × 1 1, कितने स्टेप में आना है आपका 5 स्टेप में, देखते हैं 1 2 3 4 5, पहला स्टेप राइट टू राइट 1 × 3 3 लिख दिया मैंने, नो कैरी, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 2 2 2 × 3 6, 1 × 2 2 3 × 3 6, ऐड कर दीजिए 6 + 2 8, लिख दीजिए यहाँ पर 8, क्लियर है, दो स्टेप आपके क्लियर। थर्ड स्टेप में 1 × 1 + 3 × 3 9 2 4, सबको ऐड कर दीजिए, 9 + 4 13 + 1 14 आ गया, 14 का मैंने 4 लिया, 1 कैरी। आगे देखते हैं, ये वाला भी स्टेप क्लियर हो गया, आगे देखिए, अब ये स्टेप आपका 2 × 1 2 3 × 2 6, 6 + 2 8, क्लियर है, 6 + 2 8, 8 + 1 9, नो कैरी। लास्ट ये भी स्टेप आपका क्लियर, अब ये वाला स्टेप बचा है आपका 3 × 1 3, आंसर आ गया। देखा फ्रेंड कितनी आसानी से हम 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक दिस वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू माय फ्रेंड।